नमस्कार, ग्राउंड में टीम एक बार फिर से मौजूद है। करनाल के डीसी कार्यालय का जो रास्ता आप देख सकते हैं, जो बैरिकेडेड पुलिस ने लगाए थे वो अस्त व्यस्त हैं, क्योंकि इन बैरिकेडेड को पुलिस ने जो बैरिकेडेड लगाए थे उनको किसानों ने हटा दिया है और किसान जो है अब डीसी कार्यालय के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने वाटर कैनन की गाड़ियाँ खड़ी हैं और आंसू गैस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस जो है वहाँ खड़ी हुई है, सिर्फ देख रही है कि ये जो स्थिति बनी है उसे किस तरह से निपटा जाए। सामने दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी काफ़ी भारी पुलिस बल मौजूद है और लोग छतों पर देख चढ़कर ये सारा नज़ारा देख रहे हैं। जो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आपको एक बार फिर याद दिला दें, जो महापंचायत आज 7 सितंबर को जो किसानों की महापंचायत करनाल की नई अनाज मंडी में थी, वो वार्ता जो किसानों ने रखी थी प्रशासन के साथ वो असफल हुई। उसके बाद किसान दोबारा महापंचायत में पहुँचे और उन्होंने दोबारा मैसेज दिया कि वार्ता असफल हो गई है। उसके बाद फैसला लिया गया जो किसान हैं अब डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे और हम किसानों से बात भी करने का प्रयास करेंगे। अगर उन 11 आदमियों में से जो कमेटी बनाई गई थी, उनमें से कोई 11 आदमियों कमेटी में से कोई किसान नेता मिलता है, हम आपको उनकी भी राय दिखाने का प्रयास करेंगे, सुनाने का प्रयास करेंगे। और ये सामने जो तस्वीरें हैं वो लगातार देख रहे हैं, जो किसानों का जमावड़ा है जो डीसी दफ्तर के पास पहुंच चुका है और ये सामने जो तस्वीरें किसान हैं वो मानने को तैयार नहीं है। किसानों की एक ही शर्त है कि जो उनकी मांगे रखी थी वो मांगे मानी जाएं। और सामने देख सकते हैं कुछ युवा हैं और इनसे ये सामने की जो तस्वीरें हैं वो देखिए आप, खचा खच ये जो भरा हुआ है करनाल का जो मिनी सेक्रेटरेट है, लघु सचिवालय है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी कोई वार्ता हो रही है। शायद हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि किस तरह की क्या वार्ता चल रही है यहाँ। और सामने देख सकते हैं आप, यहाँ किसानों को ये सोनिया मान है, शायद सोनिया मान, राकेश जी कहती है भाई, थोड़ा तो यहाँ सामने देखते हैं, राकेश टिकैत यहाँ बैठे हैं। ये देख लीजिए, ये सामने राकेश टिकैत बैठे हैं, उनके कपड़े भी मिट्टी में धंसे हुए हैं और यहाँ बैठ गए हैं राकेश टिकैत और उनके साथ यहाँ देख सकते हैं आप, हम जो राकेश टिकैत धरने पर बैठ गए हैं डीसी कार्यालय के सामने, राकेश टिकैत के साथ सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद हैं और करेंगे बात करने का प्रयास करते हैं इनसे, राकेश टिकैत जी के उनका क्या कहना है, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। भैया थोड़ा सा रास्ता देना, एक बार थोड़ा एक बार प्रयास कर लेते हैं राकेश टिकैत साहब से बात करने के लिए कि उनका क्या कहना है स्थिति को लेकर। राकेश टिकैत से बात करने का हम प्रयास करेंगे, लगातार ये तस्वीरें आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत बैठे हुए हैं धरने पर और उनके चारों तरफ हजूम है किसानों का हजूम चारों तरफ बैठा है उनके। अब देखने के उनका राकेश टिकैत के जो पीने के पानी की मांग की जा रही है या किसानों को बिठाया जा रहा है, क्योंकि राकेश टिकैत के चारों तरफ जो बैठे हैं किसान भाई उनके मौजूद हैं यहाँ। यहाँ देख सकते हैं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है यहाँ, जिसकी वजह से काफ़ी किसान परेशान हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, घुटन है, हुमस है, ह्यूमिडिटी बनी है लोगों से और बैठने का आह्वान किया जा रहा है किसानों से। और हम बिल्कुल पास हैं राकेश टिकैत के जो बैठे हुए हैं यहाँ पर बैठे, इनसे बात करने का भी हम प्रयास करेंगे, क्योंकि वार्ता जो है असफल हुई है जिसके चलते ये जो स्थिति बनी है। टिकैत साहब क्या कहना चाहेंगे, जो स्थिति बनी है, जो मांगे रखी थी आपने करनाल प्रशासन के डीसी साहब थे, एसपी साहब थे, जो उन मांगों को लेकर जो किसानों ने रखी थी, तो जो 3 बार वार्ता हुई असफल हुई, क्या मानते हैं आप? अभी आ गए यहाँ पे, फिर देखो बातचीत होगी, क्योंकि रास्ता बातचीत से निकलेगा। तो क्या अभी भी बातचीत करने की बात की जा रही है? नहीं तो क्यों नहीं करेंगे बात भाई,
तो जैसा कि आपने कहा था, जैसे मंच से आपने संबोधन में कहा था कि अगर मांगे नहीं मानी गई है तो किसान डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे, तो वो अभी तो कर रहे हैं। जी जी, आप यहाँ बैठे हैं तो अभी पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है, प्रशासन करेगा ना उसकी जिम्मेदारी, प्रशासन। तो टिकैत साहब, अगर ये आपके मांगे नहीं मानी गई घेराव करने के बाद भी, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? अरे हमें क्या पता क्या रहेगी भाई, चम्मी यही और हम भी यही है, हमें क्या पता। राकेश टिकैत साहब हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम भी यही हैं, तुम भी यही हो, आगे जो रणनीति होगी आपके सामने होगी। राकेश टिकैत के हमने जो बात आप की, हमने राकेश टिकैत साहब से, उन्होंने बताया कि जो अगर मांगे मान ली जाती मतलब अगर उनकी मांगे मान ली जाती तो ये स्थिति ना होती, हमें डीसी कार्यालय के घेराव ना करना पड़ता है। यहाँ कुछ युवा सिख किसान हैं, उनसे बात करेंगे। सरदार साहब, क्या की कहना चाहोगे आज सारा ये चैनल? भाई साहब, इतनी पब्लिक परेशान हो रही, थोड़ी बहुत इन्होंने हमारी सुननी चाहिए। सवेर के बैठा रखा, चार तीन बार तो ये तीन बार फेल होगी, तीन बार आज मीटिंग चली, तीन बार सद्या है, सद्या है। उसके बाद हमारी ये बात सुन लेते, बढ़िया बात थी। इतनी पब्लिक परेशान कर रही, इतनी हमारे फोर्स परेशान कर, तीन घंटे से किसान बैठे रहने, कड़ी कलो परेशान कर रहे ने। बिल्कुल, अच्छा अखीर तो मसला हल होएगा, अखीर तो मसला हल करना पड़ेगा, अज करन या कल करन। सरकार तो प्रशासन भी है, जो कोई यानी कि जो कहते हैं कुछ किसानों ने गल की लॉलीपॉप दे रहे हैं अजे तक तो नहीं, लॉलीपॉप दे रहे और करन की डे ने, पर लॉलीपॉप कि खाने लोग बच्चे थोड़ी ने कोई आच्चे कहना टाइम दिता सी 6 तारीख का, कहना कोई गल नहीं मनी, सत्त हो गई, सत्त दर टाइम नहीं दिता सी भाई, एडा मेल इकट्ठा होया। हाँ जी, हाँ जी, मेल इकट्ठा हो। तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो तस्वीरों में आपको दिखाया, डीसी कार्यालय के पास घेराव कर दिया डीसी कार्यालय का, और टिकैत साहब ने कहा घेराव हो गया। जो आगे की रणनीति के बारे में बात की, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि आप देखिए, आप भी यहाँ, हम भी यहाँ, जो भी होगा आपके सामने होगा, आप कवर करते रहिए और लगातार तस्वीरें आपको दिखाते रहिए। ग्राउंड में से मैं हरीश कुमार, अपने कैमरा सौगी इंतजार आलम के साथ, करनाल के डीसी कार्यालय से।